हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे हैं। हम केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आप लोगों को रेट कांस्टेंट का एक फॉर्मूला बताया था। अगर आपको ध्यान हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। और अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ के यानी रेट कांस्टेंट, या तो बेटा पर मिनट या फिर क्या हो जाएगी पर सेकंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं। इन एग्जाम्पल्स में आपको कुछ इंटरवल गिवन होंगे और इंटरवल के हिसाब से फिर हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा, एग्जाम्पल बताने के बाद फिर उनके ऊपर मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा, फॉर्मूला ड्राइव करके फिर उनके ऊपर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के बेटा कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ये फॉर्मूला मुझे यूज होगा, के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। आपको पता होगा ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यानी कि N2O5। डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जब आप नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को डीकंपोज करते हैं बेटा, तो यहां से N2O4 प्लस 1/2 ऑक्सीजन बनती है। और ये फर्दर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये 2NO2 प्लस 1/2 O2 ये बनाता है। तो ये ऑक्सीजन क्या बनी है बेटा, गैसेस फॉर्म में, ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब मैं आपसे एक दो छोटी छोटी बातें करता हूं। जब मान लेते हम इनिशियल टाइम लेके चलते हैं बेटा, इनिशियल जब टाइम जीरो होता है, इसकी हमने कंसंट्रेशन मान ली ए, तो क्या ऑक्सीजन बढ़ेगी बेटा, जीरो बढ़ेगी। ठीक, अब हम मानते एट एनी टाइम, भाई किसी भी टाइम पे मान लेते हैं ये ए माइनस एक्स हो गया, ए माइनस एक्स हो गया। ठीक, अब किसी भी टाइम पे माइनस एक्स हो गया तो ऑक्सीजन की कुछ ना कुछ वॉल्यूम बनेगी, तो हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिख देंगे बेटा वीटी। क्योंकि अब हम जो फॉर्मूला बना रहे हैं उसमें आपको एक गिवन होगा कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है उसकी वॉल्यूम इतनी है, तो हमें ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम लेकर के फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक, फिर न्यूमेरिकल में बताऊंगा। अब मैं ये बता रहा हूं बेटा, मान लो एट इंफिनिटी टाइम, अगर हम इनफाइनाइट टाइम ले लेते हैं, इंफिनिटी टाइम कौन सा होता है बेटा, 24 आवर से ज्यादा, 24 घंटे से ज्यादा जो टाइम होता है, या वो टाइम जिस पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब जिस पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई, दैट मींस ए क्या हो जाएगा, यहां जीरो, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि सारा का सारा ए क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, और जो वॉल्यूम बढ़ेगी वो क्या बन जाएगी, वी इंफिनिटी बन जाएगी एट इंफिनिटी टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए जितना भी है, ए जब डिकम्पोज होगा, ए डिकम्पोज होगा जब ए मैक्सिमम यानी 100% डिकम्पोज हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितनी बढ़ जाएगी, वी इंफिनिटी बढ़ जाएगी। क्लियर होगी बात ये। ठीक है, अब देखे मैं फॉर्मूला कैसे बना के दिखाता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनी टाइम, जो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस कौन सी बेटा, O2, कलेक्टेड एट एनी टाइम,
किसी भी टाइम पे मान लो वी टी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ N2O2 N2O5 डिकम्पोज। जितना ज्यादा ये टूटेगा उतना ज्यादा गैस क्या होगी, कलेक्ट होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज, ठीक है। तो जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ डिकम्पोज होगी बेटा, डिकम्पोज तो उतनी क्या होगी वॉल्यूम, और डिकम्पोज कितना हुआ, एक्स हुआ। तो हमने यहां से क्या मान लिया कि एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी टी के, ठीक है। क्योंकि देखो एक बार और देखो ध्यान से जो मैं बोलना चाह रहा हूं, जैसे ये डिकम्पोज होगा तभी तो ऑक्सीजन गैस बढ़ेगी, अगर ये डिकम्पोज ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन गैस नहीं बढ़ेगी। मान लेते टी टाइम पे एक्स डिकम्पोज हो गया तो उस टाइम कोई ना कोई वॉल्यूम बढ़ेगी ऑक्सीजन की, वो वी टी होगी, ठीक। अब मैं क्या कहता हूं कि भाई इन्फिनिटी टाइम पे देखा हमने, तो इन्फिनिटी पे सारा का सारा क्या हो गया, डिकम्पोज। सारा का सारा डिकम्पोज का मतलब क्या है, जो इनिशियल अमाउंट है उस पर डिपेंड करेगा। अगर इनिशियल अमाउंट कम है तो वॉल्यूम कम बढ़ेगी, इनिशियल अमाउंट ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी, ठीक। तो मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट इन्फिनिटी टाइम। अब ये मान लेते हैं वी इन्फिनिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए बेटा। बात ध्यान से समझो, सभी एग्जांपल में यूज होगी। फाइनल किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल वैल्यू पे। जितनी ज्यादा इनिशियल वैल्यू होगी उतनी वॉल्यूम ये बढ़ेगी, जितनी छोटी इनिशियल वैल्यू होगी उतनी वॉल्यूम ये कम बढ़ेगी, ठीक है। तो यानी कि इसकी वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल अमाउंट ऑफ N2O5 और इनिशियल क्या है A। तो यानी यहां से क्या आ गया, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V इन्फिनिटी। अब अगर मान लो मैं A माइनस एक्स निकालता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, V इन्फिनिटी माइनस वी टी। तो ये X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V इन्फिनिटी है, तो A माइनस एक्स क्या हो गया, V इन्फिनिटी माइनस T। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो मेरे पास ए भी है, ए माइनस एक्स भी है। अब फॉर्मूला कैसे बढ़ेगा बेटा, अगर मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, मैं यहां से साफ कर रहा हूं, इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूं स्पेस के लिए, 1/2O2 और इससे बढ़ गया 2NO2 प्लस 1/2O2, ठीक। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, हैंस फ्रॉम रेट कॉन्स्टेंट फॉर्मूला, रेट कॉन्स्टेंट फॉर्मूला से के इज इक्वल टू, अब देखो क्या वैल्यू है, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए। ए क्या है बेटा, वी इन्फिनिटी। ए माइनस एक्स क्या है, वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर भी है और नीचे भी है, जब ऊपर और नीचे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बढ़ गया, हमारा फॉर्मूला बढ़ गया, फॉर्मूला नंबर 1। तो जब हमें कोई ऐसी कोई कंपाउंड डिकम्पोज करे, मेनली N2O5 ही मिलता है, और उसमें से कोई गैस कलेक्ट हो और उस गैस की वॉल्यूम दे दे, तो उस टाइम पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार सभी एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद फिर इनके एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्ट भी इनको याद कर सकते हैं। तो फॉर्मूला ये हो गया बेटा। अब इस फॉर्मूले के ऊपर मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से क्या करेंगे, इसको नोट्स बना लेंगे। तो यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इसके ऊपर देखिए न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको पता चलेगा हो क्या रहा है। अभी मैंने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है वो ये ड्राइव किया है, k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग v इन्फिनिटी माइनस वी टी। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है। वी इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी टाइम पे यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब गैस की वॉल्यूम कितनी है। टी क्या है, टी टाइम पे, वो कितने भी टाइम हो सकता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, उस पे जो वॉल्यूम है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, आपको पता चलेगा। फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा द डिकम्पोजिशन ऑफ, क्वेश्चन है,
फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन एट 303 केल्विन पे बेटा 321 केल्विन कोई भी टेम्परेचर कोई मैटर नहीं करता है ठीक है। शो दैट द रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेट द कुछ डाटा दे रखा है बेटा अभी डाटा लिखूंगा। अब कहता सो दैट रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर की है एंड कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट अब देखो हमें डाटा देगा और हमसे कहेगा शो करो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। ये बात मेन समझने की है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है और हमें डाटा गिवन है टाइम दे रखा है बेटा मिनट में ठीक है। और उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व्ड, O2 की वॉल्यूम भी दे रखी है इवॉल्व्ड ठीक है। अब देखो क्या करना है जब 10 मिनट हुई तो वॉल्यूम है 6.30 और ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में ठीक। उसके बाद बेटा जब 15 है तो 8.95 दे रखा है। ऐसे ही जब 25 हो गया 25 तो वैल्यू है 13.50 और जब इन्फिनिटी टाइम है तो वैल्यू है 34.75। तो आपको ना एक ऐसा इंटरवल बना के देगा ऐसा आपको इंटरवल मिलेगा बेटा ये चीज हमें ध्यान देनी है ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को देखें उसने कहा कि N2O5 का डीकम्पोजिशन हुआ है और ये इनका इंटरवल के साथ साथ वॉल्यूम दे रखे O2 की जो इवॉल्व हुई है ठीक है। कहता शो कीजिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है हर एक इंटरवल पे इस फॉर्मूले का यूज करके ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया इस फॉर्मूले का यूज करके रेट कॉन्स्टेंट निकालना है। तो अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं बेटा तो सबसे पहले बात कर रहे हैं एट टाइम 10 मिनट। जब टाइम 10 मिनट है तो के इज इक्वल टू 2.303 10 टी की जगह 10 पुट कर दिया लोग वी इंफिनिटी इंफिनिटी पे वैल्यू है 34.75 डिवाइड बाय वी इंफिनिटी माइनस वी टी टी पे वैल्यू है 6.30। तो इसको सोल्व कर लेंगे 2.303 डिवाइड बाय 10 लोग 34.75 डिवाइड बाय सब्ट्रैक्ट कर देंगे 28.45। जब आप इसको सोल्व करेंगे बेटा मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं तो वैल्यू आएगी 0.001997 पर मिनट। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ऐसे हम क्या करेंगे एट टाइम 15 मिनट फिर 15 मिनट पे वैल्यू निकालेंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 15 लोग v इन्फिनिटी माइनस vt। जब आप बेटा इसको सोल्व करोगे सोल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी 0.01995 पर मिनट ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे निकालेंगे एट टाइम जितने भी इंटरवल है सभी पे वैल्यू निकालनी है 25 मिनट तो k इज इक्वल टू बहुत आसान क्वेश्चन है डिवाइड बाय 25 लोग v इन्फिनिटी माइनस vt। जब आप इसको सोल्व करेंगे बेटा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.01987 पर मिनट। तो हमने क्या किया तीन इंटरवल थे तीन इंटरवल पे क्या किया रेट कॉन्स्टेंट निकाल दिया इस फॉर्मूले का यूज करके। ऐसे ही आपको करना है अगर हर एक इंटरवल पे रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू नियरली सेम आ जाए बेटा सेम आ जाए देखो दो या तीन डिजिट तक देखना है ज्यादा नहीं कि आप बिल्कुल लास्ट तक देखोगे
तीन डिजिट तक ले लो डेसिमल प्लेस तक, तो वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, सेम नहीं आती है तो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है। ये नहीं बताना कौन से ऑर्डर की है, नहीं, बस आपको ये बताना कि फर्स्ट ऑर्डर की है या नहीं है। हर एक इंटरवल पे रेट कांस्टेंट निकाल लो, अगर वैल्यू सेम आ रही है तो वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर की है, नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि रेट कांस्टेंट निकालो, तो रेट कांस्टेंट की अगर हम बात करें, द वैल्यू ऑफ के नियरली नियरली कांस्टेंट एट एवरी इंटरवल, हर एक इंटरवल पे ये वैल्यू क्या कांस्टेंट है, हेंस के इज इक्वल टू। तो जो के की वैल्यू होगी उसको आप क्या करोगे, देखो नियरली कांस्टेंट वैल्यू है, अगर ये बिल्कुल सेम आ जाए तो वही वैल्यू हो जाएगी, लेकिन अगर ये सेम नहीं हो तो इन तीनों का मीन निकाल लोगे, तीनों को जोड़ोगे मीन निकालोगे तो 0.01994 समथिंग आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर वैल्यू थोड़ी बहुत डिफरेंट है तो मीन निकाल लोगे, मीन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, एक तो हमें पहचान रखनी है कि वो हमें ऑक्सीजन गैस की बात करेगा या कोई गैस कहेगा भी वो गैस इवोल्ड हुई है। देखो यहां दे रखा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इवोल्ड, तो किसी गैस इवोल्ड होने की वैल्यू दे रखी है, और इसमें ध्यान रखना जीरो टाइम पे वैल्यू नहीं होगी, जीरो टाइम पे नहीं होगी, ये भी पहचान करने का, क्यों, क्योंकि देखो यहां कहीं भी वी जीरो नहीं आया है, अगर जीरो टाइम पे होती तो वी नोट हो जाता, वी जीरो हो जाता, तो यानी कि जीरो टाइम पे नहीं होगी, पहला पॉइंट याद करने का। दूसरा, वो आपको कोई ना कोई गैस के बारे में बताएगा जो गैस रिएक्शन में इवोल्ड हो रही है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, सभी में जो भी एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, चारों एग्जाम्पल है, आपको इंटरवल गिवन होगा, हर एक इंटरवल पे रेट कांस्टेंट निकालना है, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू नियरली सेम आ जाती है तो वैल्यू रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, नियरली सेम नहीं आती है तो वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है। ये सभी के लिए हमें क्या करना है, सोल्व करना है। यहां तक समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर वैल्यू थोड़ी बहुत डिफरेंस आती है तो आपको देखो डेसिमल प्लेस, दो या तीन डेसिमल प्लेस तक भी सेम आ गई तो भी फर्स्ट ऑर्डर की होती है। ठीक, अगर ये सेम नहीं आती है, थोड़ा वो चेंजेस आता है और रेट कांस्टेंट पूछ लेता है, तो हमें क्या करना है, इनका मीन निकाल लेना है, वो क्या आ जाएगा, हमारा रेट कांस्टेंट आ जाएगा। तो एक बार इस रिएक्शन को देखेंगे न्यूमेरिकल को, और अच्छे से इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आई होप यहां तक समझ आया होगा। अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल है बेटा, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, अब हम सेकंड एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड। हाइड्रोजन परोक्साइड, अब जो हाइड्रोजन परोक्साइड डीकंपोज होती है बेटा, ये H2O 1/2 O2 में होती है। देखो अगर हमें इस केस में O2 का जिक्र करे भी, O2 जो गैस इवोल्ड हुई है उसकी वॉल्यूम इतनी है, तो हम पहले वाला एग्जाम्पल लगा देंगे। ठीक, लेकिन अगर वो हमें ये कह दे कि इस H2O2 को किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट किया गया है, जैसे KMnO4 के साथ टाइट्रेशन की गई है, तो फिर हम कैसे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, H2SO4 के को H2O2 को सॉरी टाइट्रेशन विद KMnO4 सॉल्यूशन, कोई ना कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देगा और आपसे कहेगा इसके साथ टाइट्रेशन की गई है, वो KMnO4 हो सकता है, K2Cr2CN हो सकता है, मेनली KMnO4 मिलता है। तो अगर KMnO4 का जिक्र करें भी इसके साथ टाइट्रेशन की गई, इसकी वैल्यू इतनी है, तो फिर हम सेकंड मेथड अपनाएंगे। ठीक, अब देखेंगे फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। अगर हम बात करें इनिशियली, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में इनिशियली हमने ए ले लिया बेटा, ठीक है, तो ये तो 0 0 होगा एट एनी टाइम, एनी टाइम ये कितना हो गया ए माइनस एक्स, तो ये कितना बढ़ चुका होगा, एक्स बढ़ चुका होगा। ठीक, अब देखो इनिशियली H2O2 है, हमने क्या करना है, सेम अमाउंट ऑफ H2O2 को KMnO4 के साथ
टाइट्रेट करना है। यानी कि मान लेते हैं मैं हर बार 5 cm³ 5 cc H2O2 को क्या करूंगा, टाइट्रेट करूंगा कैमेनोफोर के साथ। अगर A की वैल्यू ज्यादा होगी तो मुझे कैमेनोफोर ज्यादा चाहिएगा, A की वैल्यू कम होगी तो कैमेनोफोर कम चाहिएगा। यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैमेनोफोर है वो किस पे डिपेंड करेगा, A पे डिपेंड करेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत है? तो अगर मान लो मैं वॉल्यूम ऑफ कैमेनोफोर की बात करता हूं बिफोर रिएक्शन स्टार्ट, तो मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ कैमेनोफोर, वॉल्यूम ऑफ कैमेनोफोर यूज बिफोर द रिएक्शन, यूज बिफोर द रिएक्शन स्टार्ट, रिएक्शन इनिशिएट, जब वी बेटा टी की वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक, तो टी जीरो पे हम मान लेते हैं जो वॉल्यूम ऑफ कैमेनोफोर हमें चाहिए वो कितना चाहिए बेटा, वी नोट चाहिए, यानी कि वी जीरो चाहिए। ये किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ए ज्यादा होगा तो हमें कैमेनोफोर ज्यादा लेना पड़ेगा, ए कम होगा तो कैमेनोफोर कम लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 और वो वैल्यू क्या है, ए। तो यानी कि यहां से क्या बन गया कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी नोट, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, उसके बाद ये कहता है वॉल्यूम ऑफ कैमेनोफोर यूज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब मान लो टी टाइम पे ये एक्स बन गया, अब यहां तक तो काम पूरा हो गया, अब कितना कैमेनोफोर चाहिए, जितना ये बचेगा, हमें H2O2 को तो रिएक्ट करना है। देखो इनिशियल कितना चाहिए था, जितनी वैल्यू ये है इसके अगेंस्ट, फिर क्या हुआ टी टाइम हो गया, थोड़ा सा प्रोडक्ट बन गया तो बचा कितना, इतना। अब कितना चाहिए, इसके अगेंस्ट चाहिए। तो यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं वॉल्यूम ऑफ कैमेनोफोर यूज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लो वी टी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 एट दैट टाइम, उस टाइम पे जो उसकी कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स। तो यानी यहां से क्या आ गया, ए माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी टी के आ गया, दोनों वैल्यू आ गई। एक बार और देखो हमें करना क्या है, H2O2 को कैमेनोफोर के साथ टाइट्रेट करना है। ठीक है, मैं कहता हूं भाई कितना कैमेनोफोर ले, वो तो डिपेंड करेगा ना ए के ऊपर, ए ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा कैमेनोफोर लेना पड़ेगा, ए कम होगा तो हमें कम कैमेनोफोर लेना पड़ेगा। क्लियर होगी बात है? तो ये कहता हूं भाई इनिशियली कितना ले हम, वो डिपेंड करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन पे, टी टाइम पे कितना यूज करें। अब टी टाइम पे H2O2 इतना बच गया तो इस पे तो डिपेंड करेगा कि जितना H2O2 है उसी पे तो डिपेंड कर रहा है कैमेनोफोर कितना यूज करेंगे। तो फॉर्मूला ड्राइव कर दो, तो हैंस के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी लोग, हम लिखते हैं ए, ए की वैल्यू क्या है यहां पर, वी नोट, ए माइनस एक्स वी टी, ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा। तो जब आपको ऐसा दे दें कि H2O2 रिएक्टेंट को किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट किया गया है तो उस टाइम पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके चलोगे। अगर वो हमें दे देता ऑक्सीजन के बारे में कि अभी इतनी वॉल्यूम बनी है तो पहले वाला फॉर्मूला, तो हमने सेकेंड फॉर्मूला बना दिया के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग वी नॉट अपॉन में वी टी, तो ये हमारा क्या हो गया सेकेंड फॉर्मूला हो गया। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपको पता चलेगा। देखो आपको मैं बता देता हूं, यहां वैल्यू वॉल्यूम मिलेगी आपको जीरो टाइम पे और टी टाइम पे, इन्फिनिटी टाइम पे नहीं होगी। वहां क्या थी, टी टाइम और इन्फिनिटी टाइम, चलो वो बाद में भी बताऊंगा, फिलहाल हमें पता होना चाहिए। तो हमने सेकंड एग्जांपल पढ़ा डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, तो मैंने फॉर्मूला बनाया के इज इक्वल टू 2.303 टी लोग वी नोट अपॉन में वी टी, ये फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करना है। फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा शो दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड इज ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा
बेटा आपको फॉर्मूलों में थोड़ी सा लग रहा होगा कैसे ड्राई हो रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत इजी है, आपको फॉर्मूले याद करने चाहिए और मैं आपको लास्ट में ट्रिक के साथ ये सभी फॉर्मूले याद करवा दूंगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बहुत इजी है, फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा शो दैट डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कि वो फर्स्ट ऑर्डर का है बेटा। और डाटा क्या गिवन है, टी दे रखा है बेटा टी और एक्स दे रखा है। तो टी क्या है हमारा, जब टाइम जीरो है तो ये 46.1 है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन, और जब टी क्या है बेटा टी तो 29.8 है, ठीक है। उसके बाद और जब टी 20 है बेटा तो ये वैल्यू हो गई 19.3। देखो जब रिएक्शन होगी, ये एक्चुअल में है क्या, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन H2O2 की, तो जब रिएक्शन होगी वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू हमें दे रखी है, टी दे रखा है मिनट में, ये डाटा दे रखा है। अब हम वही करेंगे, दो इंटरवल, जीरो पे इन्फिनिटी पे नहीं निकालते, इन्फिनिटी तो है ही नहीं इसमें, दोनों इंटरवल पे, क्योंकि जीरो पे निकालेंगे टी जीरो सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो दोनों इंटरवल पे हम क्या करेंगे, रेट कॉन्स्टेंट निकाल लेंगे। तो हम बात करेंगे एट टाइम टी इज इक्वल टू 10 मिनट, मिनट में दे रखा है टी, ठीक है। उसके बाद अच्छा इसने इसमें एक लाइन और लिखी है, एक लाइन और है बेटा, वेयर टी इज द टाइम इन मिनट, इन मिनट्स, टी क्या टाइम मिनट्स में है, एंड एक्स इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड कैमिनोफोर सॉल्यूशन इन। अब ये एक्स देखो बेटा ध्यान से, एक्स इज द वॉल्यूम ऑफ, अब ये थोड़ा चेंज करना है, स्टैंडर्ड कैमेनोफोर, स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड कैमेनोफोर सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब इन सीसी रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन, स्टैंडर्ड कैमेनोफोर इन सीसी रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन, टाइट्रेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ द रिएक्शन मिक्सर, रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ सेम वैल्यू ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। देखो एक्स क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कैमेनोफोर, वॉल्यूम ऑफ कैमेनोफोर है, यह हमें वॉल्यूम दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक। अब जैसे ही रिएक्टेंट हम लेंगे, इनिशियली हमें सबसे ज्यादा लेना पड़ेगा, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, रिएक्शन होती जाएगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, तो कैमेनोफोर की भी कम जरूरत पड़ेगी। तो अब देखेंगे हम हर एक इंटरवल पे टाइम निकालते हैं, रेट कॉन्स्टेंट निकालते हैं, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 10 मिनट, तो के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 10। लोग फॉर्मूला जरूर लिखा करो, वी नोट 46.1 डिवाइड बाई वी टी 29.8। अब इसको सोल्व कर लेंगे, जब लोग आप लोग इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0436 पर मिनट आ जाएगी, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं। उसके बाद निकालेंगे एट टाइम 20 मिनट, दोनों सभी इंटरवल पे निकालना है जीरो और इन्फिनिटी को छोड़ के, तो के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 20 लॉग वी नोट 46.1 डिवाइड बाई 19.3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0435 पर मिनट। अब देखो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। एज वैल्यू ऑफ के रिमेन सेम, हेंस रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एंड के इज इक्वल टू 0.0435 पर मिनट, एवरेज वैल्यू ले लो तो ये किसकी वैल्यू भी आ गई, रेट कॉन्स्टेंट की आ गई। बहुत आसान है, आपको इंटरवल गिवन हो गए, इंटरवल पे हर एक इंटरवल पे रेट कॉन्स्टेंट निकाल लो, वैल्यू सेम आएगी तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी, नहीं आएगी तो नहीं होगी। बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आई होप दोनों एग्जाम्पल हमें समझ में आ गए होंगे।
अब हमारे दो एग्जांपल बच गए हैं, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो एक बार यहां तक नोट करेंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सेव कर लेंगे।